नाम क्या अंकल जी आपका? जिलेदार सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? बादरीपुर। ये किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? ये इटावा क्षेत्र में। बसरेर में ही आता है? बसरेर में। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब यहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है? यहाँ माहौल तो जो है मोदी का ही। अच्छा, मोदी का ही है और मोदी का रहना चाहिए। तो आपको मतलब क्या मुद्दे हैं, लोग किस लिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छा काम किया मोदी जी ने, और यही चाहते हैं। हम देश के ऊपर अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हमको वाले मुका रखे लेके लेंगे, ठीक है, हम लोग पहले दिक्कत उठा लेंगे, लेकिन वो देश में बढ़िया काम कर रहा है और अपनी जो सोच उसकी है उसकी बढ़िया है। अच्छा, एक बात कही जाती है कि जैसे इटावा है आपका, ये समाजवादी का गढ़ माना जाता है, और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने जो भी डेवलपमेंट है वो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे ज्यादा कराया है। जी जी। तो आपको लगता है कि ये चीज सही है या गलत है? क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कराया है या नहीं कराया है? सामूहिक डेवलपमेंट तो हुआ है। अच्छा, लेकिन जो है एक परिवारवाद या जातवाद को लेकर के सिर्फ जात का उत्थान हुआ है, अन्य कास्ट का किसी का नहीं। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो आप जैसे बता रहे थे कि जो घटनाएं थी लूटपाट वाली इस तरीके की, हाँ, वो ही कम हुई, उनमें जो काफी सुधार है, सुधार काफी है, सुकून है, सुकून है। अच्छा अच्छा, हम लोग हैं जो मतलब अच्छी तरह से रह सकते हैं। अगर कहीं हम लोग जाते हैं रिश्तेदारी वगैरह में, कहीं लेट हो जाते हैं तो हम लोग सुकून से पहुंच जाते हैं। अच्छा अच्छा, जो पहले था कि गाड़ी रोक लेते थे, ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है, सुकून से हैं हम लोग। आपका आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम है रामू। कहाँ के रहने वाले? बादरीपुर, जिला इटावा। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे जो किसानों वाला मुद्दा था छोटा जानवरों का, उससे लगता है किसानों को नुकसान हुआ है? किसानों को जितना नुकसान हुआ उतना लाभ भी मिला है। अच्छा। 2000 रुपए मिल रहे, किसी 6000 रुपए मिल रहे, जिसका कागज जमा हो गया टाइम से, ठीक, उसको मिला भी है, लाभ भी मिल रहा है। अच्छा अच्छा, और जो जानवर छुट्टा है न तो मोदी लाया न तो योगी लाया। अच्छा, तो ढीला हम लोगों ने ढीला हुआ है। ये भी जैसे खाद वाली बात थी कि खाद भी जैसे 50 किलो की बोरी आती थी, खाद वाली 50 किलो की बोरी आती थी, अब उसमें कटौती की गई है, तो इससे भी आपको लग रहा है किसानों में कुछ फर्क पड़ा है क्या, नाराजगी है? नहीं, इससे अपनी सोच में तो नहीं पड़ना चाहिए कि यूरिया खाद के रेट पिछले भी अप डाउन होते रहे, और कम वजन की बात है तो कम वजन हुआ तो कीमत भी कम हुई, उससे कोई खास फर्क नहीं। एक बात अंकल जी निकल के आई है, जातिगत वाली बात जैसे है, कुछ जातियां हैं वो सपा को सपोर्ट कर रही हैं और कुछ बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। जब अगर कहा जाए तो एक ओबीसी का एक वर्ग है, पिछड़ी जातियों में भी कुछ जो सपोर्टर हैं वो बीजेपी को कर रहे हैं, यहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? मतलब जैसे अगर बसरेर की पूरी बात की जाए तो यहाँ पर कितने मतलब किस कौन सी जाति ज्यादा है और कौन सी जाति किसे सपोर्ट कर रही है, आपको क्या लगता है? इसमें जो है बैकवर्ड में यादव छोड़ के अन्य का रुझान जो है भाजपा की तरफ। अच्छा, अगर जो बैकवर्ड में अगर भाजपा मतलब अन्य यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी वो जो है भाजपा में सपोर्ट कर रहा है, भाजपा में सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भी यादव वर्ग में भी कुछ जो है कुछ लोग हैं मतलब भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, क्या आपको क्या लगा कि ये अन्य जातियां हैं जिनका भरोसा समाजवादी पार्टी से कम हुआ है? अब भरोसा तो यही मान ले जो हमें गुंडागर्दी से और सकून से रहने को मिल रहा है जिस पार्टी से तरफ जाएगा ही। अच्छा, दूसरी बात है कि भविष्य में अब देखो मोदी जी से 5 साल की उम्मीद थी, कुछ मिला हमको नहीं मिला, तो राष्ट्र के लिए मिला, राष्ट्र के लिए मिला है, और राष्ट्र के बाद अब आगे चल के हो सकता है कि हमको भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, और मिलने का आसार इसलिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके हमारे इसमें जो है कि जितना जो कुछ जो है यहाँ की मशीनरी भी जो है वो सरकारी मशीनरी जो है वो सभी ज्यादातर जो है सपा। ये आपको ये लगता है जैसे योजनाएं आई थी, कुछ उज्ज्वला योजना थी, शौचालय था और भी कई सारी योजनाएं थी, तो आपको उन तक वो योजनाएं आप तक पहुंची आपकी ग्राम तक पहुंची, आपको क्या क्या मिला योजना के तहत? योजना तब का लेटरिन का आया था, लेटरिन मिला है। अच्छा, मान ले प्रधानमंत्री ने योजना से जो अभी 2000 वो भी किस्तें आ गई जिनके। अच्छा। यानी हर ऑनलाइन किए हैं जो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाए उनकी बाकी रह गए। अच्छा, जो लोग जैसे भैया बताना जिन लोगों के पास रुपए नहीं पहुंचे हैं तो उनमें नाराजगी है थोड़ी, वो कह रहे हैं कि
हमने अभी फॉर्म भरा था, मतलब सभी के रुपए आए, कुछ के आए कुछ के में नहीं आए। नहीं तो ये फॉर्म वाली तो ऐसी बात है सर, क्यों अगर ये फॉर्म ये टाइम से जमा करोगे ठीक है और बढ़िया क्लियर करोगे तो पैसे आ जाएंगे, अब लेट करोगे ठीक है, अब लेट से लेट करते जाओगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, और जिसके लेट टाइम से जमा हो गए हैं ठीक, उनको पैसा मिला हुआ है, जो दूसरी कमेटी की थी मोदी जी ने ठीक है उसको भी मिला, वो भी मिला हुआ पैसा है। अच्छा ठीक, एक बात और अंकल जी, पिछली बार भी यही सिचुएशन थी और इटावा से जैसे आप ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हो तो उन्होंने अशोक दौरे जी को वोट दिया था, भाजपा के थे, लेकिन उसके बाद लोगों में इतनी नाराजगी थी अशोक दौरे के प्रति, उनका ये कहना था कि अशोक दौरे तो कभी यहाँ तक देखने तक नहीं आए, तो आपको लग रहा है कि इस बार सपोर्ट बना रहेगा उस तरीके से? ये बात जो है हमारे दिल की पूछी जाए तो मोदी पर डिपेंडेंस ज्यादा करता। अच्छा, पार्टी से इतना डिपेंडेंस नहीं करता, सिर्फ आज योगी के और दौरे साहब की बात करें उनसे भी अधिक मोदी जी पर ज्यादा। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब मोदी पे भरोसा ज्यादा है? अच्छा, मोदी लोग मोदी के प्रभाव में सपोर्ट वोट ज्यादा करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज गाइड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।